आपके में YouTube चैनल रॉकस्टार की क्लासरूम में आपका स्वागत है। आपका हिंदी अंग्रेजी विषय के पेपर के बाद अब आपका नेक्स्ट पेपर है कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का 12 फरवरी को। तो अब इसकी भी हम क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, जिस प्रकार से हमने क्या है हिंदी और अंग्रेजी विषय की तैयारी करी। ओके, बस आप लोग क्या है इकोनॉमिक्स वाले का लगातार सपोर्ट करते हैं तो गारंटी लेता हूं मैं आपके बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, आप क्या है 80-80 स्कोर कर सकेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर में। ओके, मैं आप लोग आपको क्या है इकोनॉमिक्स के लिए बहुत कठिन कहते हैं, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, सिलेक्टेड पढ़ते जाइएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। और मेहनत लेकिन आपको करनी पड़ेगी, मेहनत से अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो मैं आपकी गारंटी देता हूं कि आप क्या है बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे हिंदी और इंग्लिश पेपर की तरह। ओके, तो ये आपका पार्ट एक है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या है द्वंगी अति महत्वपूर्ण बताने वाला हूं, उत्तर के साथ बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही लगातार कमेंट करते हैं सर क्वेश्चन बताएं लेकिन क्या उनके उत्तर जरूर बताइएगा। तो हम क्या इस वीडियो में द्वंगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करेंगे। ओके, ये पार्ट एक है। इसके बाद दोस्तों आपका फिर क्या है इसके बाद फिर और द्वंगी वाले प्रश्नों की और भी वीडियो आएगी। ओके, धीरे धीरे मैं क्या है क्वेश्चन टाइप करने पड़ते हैं, उसके आंसर आपके लिए तैयार करता हूं तो टाइम लगता है, तो धीरे धीरे करके मैं आपको क्या पार्ट वाइज पार्ट आपको लाता रहूंगा। साथ ही वस्तुनिष्ठ पेपर धीरे कवर करेंगे, फिर 3 नंबर 4 नंबर वाले लगातार मैं तैयारी कराऊंगा, मैराथन होने वाली है। सो आपको है ध्यान से देखना। ओके, एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है, तैयार आपको सभी करते जाइएगा। ओके, तो अगर दोस्तों अगर आप क्या है अगर मेहनत अच्छी सोच और ना हार मानने का जुनून हो तो आप बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने क्या घुटने टेक देगी। मतलब कितनी बड़ी जीवन की परीक्षा हो चाहिए तो आपकी क्लास 12 की परीक्षा है, और जीवन की जितनी बड़ी परीक्षा हो अगर आप लगातार मेहनत करते हैं अच्छी सोच के साथ और हार ना मानने का जुनून है तो आप क्या है बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। ओके, चलिए क्रम से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और क्रम से मैं आपको सॉल्यूशन के साथ आपको सब बताते हुए समझाते जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और अभी तक दोस्तों हमने कहा है वीडियो को लाइक नहीं है वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ओके, आप लोगों का सपोर्ट ही क्या है मुझे मोटिवेशन का काम करता है। ओके, आप जितना सपोर्ट करेंगे उससे 4 गुना मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, उसे कई गुना मैं करूंगा। ओके, इसलिए आपको है सपोर्ट जरूर करिएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए, कुल उपयोगिता का आपको अर्थ बताना है, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, याद करते जाइएगा। ओके, उत्पादित सभी इकाइयों की उपयोगिता को जोड़ दिया जाए तो मिलने वाली उपयोगिता हमारी कुल उपयोगिता कहलाती है। ओके, जो उत्पादित जितनी भी इकाइयां हैं अगर वो सभी जोड़ दिया जाए कुल उपयोग नाम ही है कुल उपयोगिता, मतलब क्या है कुल मतलब जोड़, उपयोगिता मतलब क्या उत्पादित सभी इकाइयों का जोड़ होता है हमारा कुल उपयोगिता कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए, सीमांत उपयोगिता का आपको अर्थ बताना है, तो सीमांत उपयोगिता हमारी क्या कहलाती है, जब व्यक्ति वस्तु का उपयोग करता है तो वह एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, इस प्रकार का उपभोग करता है। ओके, आपको भी पता है जब भी आप कोई वस्तु यूज करते हैं एक बार यूज कर लेंगे फिर उसके बाद दोबारा यूज आगे कर लेंगे। ओके, इसके बाद तीसरी या चौथी वस्तु का प्रयोग करेंगे, वही लाइन बताई गई। ओके, सिंपल भाषा में है, इसी प्रकार किसी समय पर विशेष उपयोग की जाने वाली अंतिम इकाई को क्या सीमांत इकाई या उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कहलाती है। मतलब क्या इसी प्रकार किसी समय विशेष पर उपयोग की जाने वाली अंतिम जो इकाई होती है, अंतिम इकाई इसमें मेन शब्द है, वो आपकी सीमांत इकाई कहलाती है और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता है हमारी क्या उपयोगिता कहलाती है, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कहलाती है। इस प्रकार से आपका सीमांत उपयोगिता हो जाती है। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे, तैयार करते जाइएगा। ओके, याद करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं नोट्स आपको किस प्रकार से प्राप्त करना है मैं आपको बता दूंगा। ओके, आगे देख लेते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है ध्यान से देखिएगा। ओके, नेक्स्ट है अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, अनादिमान वक्र किसे कहते हैं, तो अनादिमान वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। अनादिमान वक्र की तटस्थता वक्र और उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। अनादिमान तक विश्लेषण क्रमवाचक उपयोगिता पर आधारित है, इसमें उपयोगिता को सांख्यिकी के रूप में नहीं माना जाता। ओके, नहीं चाहे तो आप इसे इतना चाहे तो आप इसे दो लाइन बता देना आपको अनाधिमान वक्र किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अनाधिमान मानचित्र किसे कहते हैं। ओके, देख लेते कैसे कहते हैं, एक अनाधिमान मानचित्र अवधिमान को वक्रों का समूह है जो संतुष्ट के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, ये आपको तैयार कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बजट रेखा क्या है। ओके, आपकी मूल रेखा है कीमत रेखा होती है, एक बजट रेखा अच्छे से तैयार कर लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, बजट रेखा दो वस्तुओं के सभी संभावित संयोजनों का चित्रमय प्रतिनिधित्व है जिससे दी गई आय और कीमतों के साथ खरीदा जा सकता है, जैसे कि इसमें क्या है प्रत्येक संयोजन की लागत उपभोक्ता की धन आय के बराबर हो, इसलिए बजट रेखा को क्या मूल रेखा, देखिए मूल रेखा दी है, मूल अवसर रेखा और उपभोग संभावना वक्र भी कहा जाता है। मतलब बजट रेखा आया पेपर में, चाहे आपके पेपर में मूल रेखा आ जाए चाहे मूल अवसर आए, एक ही नाम है। ओके, तो एक ही नाम से आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए बजट रेखा को किन किन नामों से जाना जा सकता है। ओके, हो सकता है पेपर में बजट रेखा लिखकर दूसरा आपका नाम लिखकर आ जाए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं।
आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मांग का अर्थ लिखिए। मांग का अर्थ आपको लिखाना है, इसमें लॉन्ग मैंने दिया हुआ है लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन समझ लेते हैं मांग का क्या अर्थ होता है। मांग किसी माल या सेवा की वह मात्रा है जिसे उस माल या सेवा के उपभोक्ता भिन्न कीमतों पर खरीदने को तैयार होंगे। ये मेन इसकी लाइन होगी। आमतौर पर अगर कीमत अधिक हो तो वह माल या सेवा कम मात्रा में खरीदी जाती है, यदि कीमत कम हो तो क्या अधिक मात्रा में खरीदी जाए। नॉर्मल बात है। इसका अगर मांग का अर्थ आपको लिखना है, याद करना चाहे एक लाइन में आप याद कर सकते हैं कि उस माल या सेवा के उपभोक्ता भिन्न भिन्न कीमतों में तैयार खरीदने को तैयार रहता है, इसे क्या मांग कहते हो, ये आपका हो जाता। बाकी आप एडिशनल में लिख सकते हैं। ओके, इसलिए क्या अक्सर किसी क्षेत्र में बाजार किसी माल या सेवा की मांग उसकी क्या मांग वक्र के रूप में दर्शाया जाता है। ओके, मेन आंसर इसका दो लाइन का है, बाकी समझाने के लिए आपको बता दिया। 6 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ओके, वीडियो लाइक नहीं, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है उत्पादन फलन किसे कहते हैं। बहुत से आंसरों के मैंने बहुत ही बड़े आंसर लिख दिए हैं, लेकिन ये मैंने केवल केवल इसका उद्देश्य है आपको समझ सकें उस टॉपिक वाली उत्पादन फलन के बारे में पढ़ना है अच्छे से। तो आप उसके अब दो लाइन में तो पूरा समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा विस्तार से समझ सकें, लेकिन याद आपको इतना दो से तीन लाइन करना है जो मेन आंसर है वो आपको तैयार करना है। तो देख ले उत्पादन फलन किसे कहते हैं। उत्पादनों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। देखिए मेन लाइन आपको यहाँ है। फिर एक दो लाइन और आप लिख दीजिएगा। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय एक निश्चित अवधि में उत्पादनों के परिवर्तन के उत्पादन के आकार में किसी प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उत्पादनों की मात्रा उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को क्या है उत्पादन फलन कहा जाता है। इस प्रकार से पूरा समझाया गया। मेन तो लाइन ये आंसर है, एक दो लाइन और समझाया गया। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार से प्रकट किया जाता है। तो गणितीय रूप लिखे ना लिखे चल जाएगा, लेकिन मैं नाम कौन सा बता देना उत्पादन फलन क्या है। ओके, अगर आपसे बनता है तो फिर आप अच्छे से लिख दिया। ओके, और ऐसा भी हो सकता है जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके आंसर आपको पहले से याद है, बहुत सारे स्टूडेंट को पहले से याद होंगे। ओके, और आपने अन्य गाइडों से जगह से करी होंगे तो आप दूसरा आंसर है, कई प्रकार से आप लिख सकते हैं आंसर को, तो आप वही याद करके रखिएगा। याद नहीं है तो फिर जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं याद आप कर सकते हैं। ओके, मैं टॉप 20 अभी क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में, तो आपको मैं अभी टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं दो नंबर के। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। ओके, नेक्स्ट आपका अल्पकाल तथा दीर्घकाल किसे कहते हैं। ओके, देख लेते हैं। अल्पकाल किसे कहा जाता है, तो वह समय अवधि जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों को ही परिवर्तित किया जाता है वो कहलाती है अल्पकाल अवधि, और दीर्घकाल आपकी जो कहलाता है वह समय अवधि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित किया जाता है। इसमें आपका है इसमें क्या अल्पकाल में क्या हो जाता है केवल परिवर्तनशील साधनों को क्या परिवर्तित किया जाता है, जबकि दीर्घकाल में आपको क्या होता है सभी साधनों का क्या परिवर्तित किया जाता है। केवल इतना अंतर है अल्पकाल और दीर्घकाल में, केवल कितना अंतर है कि इसमें केवल क्या है केवल परिवर्तनशील साधनों का उपयोग होता है, इसमें दीर्घकाल में आपका है सभी साधनों का क्या परिवर्तित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्थिर लागत किसे कहते हैं। स्थिर लागत वह लागत होती है जिनको क्या है अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इन लागतों को दीर्घकाल में परिवर्तन जाता है स्थिर लागत कहलाती है, आपकी कहलाती है। उत्पादन बंद होने पर यह लागत बहन करनी पड़ती है, ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परिवर्तनशील लागत वह लागत होती है जिनको अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादन बंद हो जाने पर परिवर्तनशील लागतें क्या है शून्य हो जाती है, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। ओके, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ये लाइन जो लाइन लगी है ये ऑब्जेक्ट में इस बार से बन जाती है, बाकी हम ऑब्जेक्ट की अलग से बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या है कंप्लीट कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, तो क्या है इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए कोर्स में आपको मिलेगा क्या, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करते क्या फायदा मिलेगा, देखिए ऑल चैप्टर के आपको नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि नोट्स मिलते भी है तो आप इतने कम समय तैयार कुछ करने पाना नहीं, इसलिए नोट्स नहीं देने वाला हूं। कोर्स में आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपको क्या साथ ही दो नंबर वाले अलग से मिल जाएंगे, तीन नंबर वाले अलग से, चार नंबर वाले अलग से, आपको क्या जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएंगे। ओके, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे फिर सॉल्यूशन के साथ भी रहेंगे और ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, मतलब आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा तैयारी के लिए। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करनी है 90 39 53 40 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस आपकी 99 रुपए थी, 50% ऑफ कर लिया केवल 49 रुपए में। सोच सकते हैं आप एक कॉपी इतने की नहीं आती है, कॉपी भी जाइएगा तो इतनी तक आपको क्या है मार्केट में नहीं मिलेगी, मतलब 49 रुपए में आपको क्या है पूरी आपको तैयारी कर सकते हैं अपनी परीक्षा के लिए। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जो क्या है फीस पे नहीं कर पाते, इसलिए मैंने जितना हो सकता उतना कम कर दिया। ओके, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11वां, परिवर्तनीय अनुपातों का नियम क्या है, चलिए इसे देख लेते हैं। तो आपको आंसर क्या लिखना है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम के अनुसार यदि अन्य साधनों का प्रयोग स्थिर रखते हुए किसी परिवर्तनीय साधनों की इकाइयों बढ़ाई जाती है तो कुल भौतिक उत्पाद प्रथम अवस्था शुरू में बढ़ती दर से बढ़ता है, दूसरी अवस्था में घटती दर से बढ़ता है और तीसरी अवस्था में क्या घटता है। इस प्रकार से आपको तैयार करना है और क्या करिए कोशिश जितने क्वेश्चन आप क्या समझ सकने के
जिन क्वेश्चन को आप समझ कर याद कर सकते हो समझ कर याद करिएगा, ज्यादा समझ कर आपको तैयार करना है। तो रटना है पड़ी गई बहुत से टॉपिक हो गए। नेक्स्ट है पैमाने प्रतिफल किसे कहते हैं, तो आपको तैयार करना है। यदि एक विशिष्ट पैमाने रेखा पर साधनों की मात्राओं को परिवर्तित किया जाता है तो उत्पादन में परिवर्तन होगा। साधनों में इस प्रकार के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पादन की प्रक्रिया को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है उपभोग वस्तु किसे कहते हैं, उपभोग वस्तु किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। उपभोग वस्तु है ओके, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने की प्रक्रिया का संलग्न वस्तु क्या है, उपभोग कहलाती है। उदाहरण के लिए दूध, सब्जी, फल, चावल, नाम ही है। उपभोग मतलब क्या है, उपभोग करना। जिन वस्तुओं का उपभोग करते हैं वो उपभोग वस्तु है, और क्या प्रत्यक्ष रूप से जिनका उपभोग करते हैं वो आपकी कहलाते हैं उपभोग वस्तु है। दूध, सब्जी, गेहूं, ये आपका हो जाता आसान है। जैसे पूंजीगत वस्तु कैसे कहते हैं, तो उत्पादन प्रक्रिया में ऐसी स्थिति परिसंपत्तियां जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। मतलब क्या है, परिसंपत्तियों में जिन वस्तुओं का बार बार प्रयोग किया जाता है और उत्पादन की प्रक्रिया में उन्हें हम क्या है पूंजीगत वस्तु कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिया, फायदा रहेगा कि आपको है तुरंत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय आय। आपका राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखना है, बहुत ही आसान है। तो हमारा क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना की दो विधियां कौन सी है, एक आय विधि है, दूसरा है व्यय विधि। ओके नेक्स्ट है दोहरी गणना किसे कहते हैं, दोहरी गणना क्या है, जब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी वस्तु को दोबारा गणना हो जाती है। जैसे हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं और किसी वस्तु की अगर हम दोबारा गणना कर लेते हैं तो हम कह रहे हैं दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब क्या है, दोबारा गिनती करना, नाम ही दोहरी गणना, मतलब दोबारा गिनती करना। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं और किसी वस्तु को दोबारा गिन लिया, ओके, तो हो जाती है आपकी दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे क्या है दोहरी गणना कहा जाता है। आई होप आप समझोगे। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय बैंक के दो कार्य की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंक के दो कार्य है, नोट निर्गत का अधिकार होता है, दूसरा है सरकार के बैंकों का कार्य भी केंद्रीय बैंक द्वारा संपादित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नहीं दोस्तों, आपको तैयार करना है व्यावसायिक बैंक के कोई दो कार्य आपको लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं, तो दो कार्य कौन कौन से हैं, अभी हमने कहा है केंद्रीय बैंक के दो कार्य आपको तैयार कर लेना है, साथ ही आपको व्यावसायिक बैंक के दो कार्य तैयार कर लेना है। तो व्यावसायिक बैंक के हमारे कार्य है, क्या है, जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य व्यावसायिक बैंक द्वारा किया जाता है। दूसरा है व्यावसायिक बैंक जनता को ऋण प्रदान करता है और जनता से जमा को स्वीकार करता है। व्यावसायिक मतलब जो हमारे एरिया में खोले जाते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये तो हमसे क्या है जनता से पैसे भी लेते हैं, साथ ही उनको क्या है लोन भी देते, ऋण मतलब लोन देना, लोन भी देते हैं, साथ ही जो जनता पैसे जमा करती है वो जमा भी करते हैं। एक बार ये दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सरकारी बजट के कोई दो आपको उद्देश्य बताने हैं। ओके सरकारी बजट के मैंने आपके यहां पांच उद्देश्य दे दिए हैं, कोई भी दोस्तों आपको तीन आपको अच्छे से याद कर लिए, दो आपको पूछा जाएगा। ओके पहला है आपका हिसाब देगा उद्देश्य, हेडिंग आपकी ये बना के लिख देनी है आपका हिसाब दे उद्देश्य। ओके इसका है एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, इसी का है बजट पेश किया जाता है। ओके दूसरा आपको लिख देना है सरकारी बजट के उद्देश्य में, दूसरा है आर्थिक नियंत्रण। बजट के माध्यम से क्या है संसद सार्वजनिक कोषों की प्राप्ति और प्रयोग संबंध में नियंत्रण रखती है और इसके लिए उचित नीति का निर्माण करती है। इन क्वेश्चन को थोड़ा समझ कर तो आपका आसान हो जाएगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर याद करें सबसे पहले मेन हेडिंग याद कर लिया, फिर उसके अंदर की डिटेल आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको इस प्रकार से दिया है राजकीय कोष उपकरण, चौथा आपका आर्थिक स्थितिता, और पांच में आपका योजना से संबंधित था, ये आपको तैयार कर लेना है। पांच पॉइंट दिए, कोई भी आपको तीन पॉइंट तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है अधिशेष एवं घाटा बजट क्या है। तो क्या है, समान शब्दों में हम कह सकते हैं घाटे का बजट वह व्यवस्था है जिसमें सरकार अपनी राय की तुलना में व्यय अधिक करती है। इसी व्यवस्था में सरकार को अपने क्या है घाटों की पूर्ति नोट छापकर करनी पड़ती है, मतलब सरकार को घाटा हो जाता है। अब सरकार की मशीन है भाई, सरकार क्या है जब सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ी तो मशीन ने छाप दिया नोट, तो वही बताया सरकार क्या है जब घाटा हो जाता है तो क्या है उसकी पूर्ति कैसे करती है, उन्हीं की मशीन है सरकार की, बस उन्हें नोट छाप दिया। ओके नोट छापकर क्या है करती है, केंद्रीय बैंक से है या फिर क्या है केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है। ओके या फिर क्या है केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको आपके दो अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में ओके पार्ट एक था इस वीडियो में आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताएं। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, दो नंबर वाले अभी और भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके वस्तुनिष्ठ वाले वीडियो लाइए, तीन नंबर वाली, चार नंबर वाली, बाकी आप कंप्लीट अच्छे से आपकी तैयारी करना चाहते हैं तो कैन मिक्स कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।